Hi viewers, welcome to our channel Blind Tech Official. If you want the new technical tutorials, then you are come to the right place. Subscribe to Blind Tech Official YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. हेलो दोस्तों, मैं शफीक आज आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पेन ड्राइव को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मान लीजिए आप कोई पेन ड्राइव ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू जाकर ख़रीदते हैं, खासतौर से ऑनलाइन में आपको दिखाया जाता है ओरिजिनल है, और वो घर पर आए बाद भी आपको ऐसा मतलब फील कराती है कि ओरिजिनल है, लेकिन वो डुप्लीकेट होती है। आप अपने कंप्यूटर की मदद से और एक्सेसिबल तरीके से पहचान सकते हैं टूल की मदद से कि पेन ड्राइव ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इस चीज़ को आपको करके दिखाया है। वीडियो में आगे बने रहें। अगर जो पुराने यूज़र है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नए यूज़र है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और टूल आपको डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एच टेस्ट, इसका नाम एच टू टेस्ट ऐसा नाम है। अगर ना मिले तो फिर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि मेरी पुरानी पेन ड्राइव है, इसमें कुछ डेटा है तो उसको फॉर्मेट कर लूँगा मैं। अगर आपकी नई पेन ड्राइव रहेगी तो आप इसे फॉर्मेट एक बार करें, क्योंकि कुछ ना रहे तो बहुत अच्छे से ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। मैंने फॉर्मेट करके किया, तो आप भी फॉर्मेट करके इसको टेस्ट कीजिएगा। तो पहले हम फॉर्मेट करेंगे ताकि आपको ही पता चले। तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे। create paste copy cut c eject compress to com add to force delete with read scan with scan pin this include open the give I open turn on pin to open and open the properties of rename create paste p copy c cut c eject jet format this pc with format usb format usb format and usb drive left parent d colon right parent dialog cancel button format and usb drive left parent space format usb drive left parent d colon right parent dialog close space this pc window oh. item desktop list. यहाँ पर हम आ गए सॉफ्टवेयर के पास। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरा सॉफ्टवेयर है, ये 200 चिलर के बी का सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम ओपन करेंगे, एक टूल बोल सकते हैं इसे हम। H2 test line 1.4. तो यहाँ पर तीन आपको दिख रहे होंगे एक फोल्डर, इस फोल्डर में। तो हम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, स्पेस सिलेक्टेड। तो इस पे हम राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की मदद से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एंटर, आइटम्स व्यू लिस्ट सिक्योर डेस्कटॉप, यहाँ पर इसको यस कर देंगे। H2 test dialog www.magazine.co.za button. चलिए यहाँ से टैप टैप से हम मूव करेंगे। English radio English rate space press. इंग्लिश पे मैंने चेक किया, याद रहे। Select target button. Select target पे मैं स्पेस या एंटर आप कर सकते हैं, मैं स्पेस करूँगा। Space. Browse for cancel. Please select the folder 3 यहाँ new level 1. T से मैं this PC तक जाऊँगा। T this PC collapsed to available right 1. यहाँ right arrow से expand कर लूँगा this PC को। Expanded 12 items. ये basic चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरे पेन ड्राइव का यू मतलब नाम USB से है, तो मैं यू प्रेस करूंगा। लेवल 2 USB ड्राइव लेफ्ट पेरेंट डी कोलन राइट पेरेंट कलेक्ट 9 ऑफ 12 ड्राइव लेटर मेरा डी है, तो ये एंटर कर दूंगा इसको मैं सिंपल, कुछ भी नहीं करते हुए। H2 test dialog and no existing test data www.magazine.co select target button. तो यहां पर टैब प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। All available space left parent 965 MB right parent radio button check. देखिए 1GB के मैं जैसा कि बताया, तो ये सारा कुछ इतना साइज है मेरा बचा कुछ, जो कि आपको जो स्टोरेज के मामले में जानते हैं उनको बखूबी पता होगा कि साइज में कितनी कटौती होती है। तो यहाँ पर हम टैप की मदद से जाएंगे, किस पर करना है मैं आपको बताता हूँ, अभी टेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। Only radio button not checked. Edit land. Endless verify checkbox not checked. Right plus verify button. Right plus verify. तो इस पर हम एंटर करेंगे, तो देखिए अब प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से। H2 test power progress dialog abort button. यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसमें टाइम लग सकता है तो 1%. आप इंतज़ार करें। देखिए परसेंटेज भी हो रहा है, मैं वीडियो को स्किप करूँगा, इतने टाइम तक नहीं छोड़ूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आप अपने हिसाब से अपने मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि मतलब पेन ड्राइव को एरर नहीं है, कैसे क्या है आपको पता चलेगा। तो मैं वीडियो को स्किप करूँगा, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मिलूँगा अभी कुछ सेकेंड्स में। देखिए दोस्तों, मेरा अभी ये चल रहा है, जैसा कि आपको बीप दे रहे हैं, मैं इतने टाइम के बाद वीडियो को कंटिन्यू किया, 3-4 मिनट मुझे होने को है, तो ये प्रोसेसिंग में ही है। तो आप भी एक बार करके छोड़ दीजिए। ये 50 के बाद से थोड़ा स्पीड होता है, 1 से लेके 50 तक थोड़ा स्लो लगता है, 51 से जब आएगा। तो ये पेन ड्राइव पर भी डिपेंड करता है आपकी,
तो अभी मेरा एंडिंग पे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मेरा मतलब रिकॉग्नाइज करता है ये ओरिजिनल है या कुछ एरर है इसमें या नहीं है, ये हम इस मतलब पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी होने चाहिए। देखिए हो गया अभी हमारा, अभी यहाँ पर हम टैप प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर बता भी रहा होगा जो लो विजन लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। Edit read only multi line selected test finished without errors. You can now delete the test file *h2w or verify them again. Reading speed :3.60 MB/s reading speed :12.3 MB/s h2 test v1.4. देखिए सॉफ्टवेयर में मतलब कोई एरर हमारी पेन ड्राइव में नहीं है, तो इसको हम मान सकते हैं ओरिजिनल पेन ड्राइव है। तो एक बार आपको सुनाता हूँ। Okay, edit read only multi line selected test finished without errors. You can now delete the test file *h2w or verify them again. Writing speed :3.60 MB/s reading speed :12.3 MB/s h2 test v1.4. तो दोस्तों इसी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो h2w आप डाउनलोड करें, आपको गूगल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात आपको ना मिले तो बताना, डेफिनेटली हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़रूरी भी हेल्पफुल आपके लिए लगती है। तो अगर आप डिसलाइक भी करते हैं इसकी वजह भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम और बेहतर से बेहतर हमारे वीडियोस को कर सकें। तो यहाँ पर ओके मैं कर दूँगा। तो अभी के लिए आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। Hope you like this video. If you have any question or suggestions, then you can comment below. And you can email us for any help. Our email ID is blindtech.info@gmail.com. That is blindtech@gmail.com. Thanks for watching.